जयपुर हेरिटेज नगर निगम में अब कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है। कांग्रेस ने निर्दलीय पार्षदों को साथ लेकर बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। बीती रात से ही कांग्रेस ने सभी पार्षदों को होटल शुकुन में ठहरा दिया है। आपको बता दें कि 5 निर्दलीय पार्षदों ने प्रताप सिंह खाचरिया आवास के आवास पर पहुंचकर कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो वहीं बुधवार को 3 निर्दलीय पार्षदों ने भी होटल शकुन पहुंचकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब कांग्रेस के पास हेरिटेज नगर निगम में कुल 55 पार्षदों का समर्थन हो गया है। होटल शकुन में बैठकर ही मुख्य सचेतक महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी, रफीक खान ने मेयर पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा कर पार्षदों से उनकी राय जानी। माना जा रहा है कि बुधवार शाम या गुरुवार सुबह तक कांग्रेस अपने मेयर पद के उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। हमारे 55 हो गए, 5 पार्षद कल आ गए थे, 2 पार्षद अभी ऑन द वे हैं और 1 हमारे पार्षद 12 नंबर वार्ड से बुलाए गए हैं मौजम्बा में, वो हमारे पक्ष में आ गई हैं। 55 हमारे हो गए और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि शेष बचे हुए जो पार्षद, कल मैंने कहा था 1 को छोड़, बाकी सब हमारे पक्ष में रहेंगे, इस बात पर मुझे विश्वास है और हम जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बना कर आएंगे। जयपुर हेरिटेज के लोगों की सेवा करने के लिए, जयपुर हेरिटेज को जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का खिताब मिला है उस खिताब को बनाए रखने के लिए और जयपुर हेरिटेज नगर निगम को देश के टॉप 10 नगर निगमों में लाने के लिए सफाई के मामले में हमारा संकल्प रहेगा और हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे।